वाहे गुरु जिनके चोले रतड़े प्यारे कांत तिना के पास तोड़ तिना की जे मिले जी कहो नानक की अरदास। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज करता
भगत तेरा सोई खुद पावे जिसनो तो रंग तरता तेरे भगत हान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे अपारा भोल जी तेरे भगता को बलिहारा तेरे भग वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा तू समरथ क्या जाना तेरी पूजा तेरा मैं लिया गोचर मेरे प्यारे देखम तेरा है पाना तो नानक टै पया दुआरे नानक है पया द्वारे रख ले वो मोगद याना बोलो जी तेरे भगता को बलिहारा सारी संगत
किन्नी वड्डी गल कही गुरबाणी च तू भगतां के वस तू भगतां के वस तू भगतां के वस सारे गुरमुख बोलो भाई तू भगतां के वस तू भगतां के वस बोलो भैणो पिता जी तू भगता के वस तू भगता के वस ना तू आवे वस बहुत कहनावण ना तू आवे बस वेद पढ़ावणे ना तू आवे बस तीर्थ नहाइए ना तू आवे बस धरती ताइए ना तू आवे बस बहुता दान दे ना तू आवे बस किते सियाण पे तू भगता के बस सब को तेरे बस अगम अगोचरा तू भगता के बस भगता पाण तेरा तेरिया भगता को बलिहारा तेरिया भगता को बलिहारा बोलो जी तेरिया भग तेरिया भग वाहे गुरु
गुरु अमरदास जी की कहते हैं भगतां का बोलिया प्रवान है, भगतां का बोलिया प्रवान है, भगतां का बोलिया प्रवान है, भगतां का बोलिया प्रवान है। बोलो भैनों भगतां का बोलिया। वाह वाह। भगतां का बोलिया प्रवान है, भगतां का बोलिया प्रवान। बोलो भैनों। वाह। भगतां का बोलिया प्रवान है, भगतां का बोलिया प्रवान है, दरगे पवे थाए तेरे भगतां को बलिहारा, तेरे भगतां को बलिहारा, सारी संगत तेरे भगतां को बलिहारा, तेरे भगतां को बलिहारा, तेरे भगतां को बलिहारा, तेरे भगतां, तेरे भगतां, तेरे भगतां को बलिहारा। जो जन ले खसम का नाम, तिनके सद बलिहारे जाओ, तिनके सद बलिहारे जाओ, तिनके सद बलिहारे जाओ, तिनके सद बलिहारे, जो जन ले खसम का नाम,
सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो पाई मेरे मन भावे सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो पाई मेरे मन पावे जय कट राम रहया भरपूर जय कट राम रहया भरपूर तिन की पग पंकज हम तूड़ जात जुलावा मत का तीर जात जुलावा मत का तीर सहज सहज गुण रवे सहज सहज गुण रवे कबीर जो जन ले जो जन ले खसम तिनके सद बल्ले हारे तिनके सद बल्ले हारे तिनके सद बल्ले हारे जो जन ले खसम का नाम जो जन ले खसम का नाम तिनके सद बलिहारे जाम तिनके सद बलिहारे जाम तिनके सद बलिहारे जाम के सद भले हारे जाओ जो जन ले खसम का जो जन ले खसम सद बल्ले हारे जाओ तिनके सद बल्ले हारे जाओ तिनके सद बल्ले हारे जाओ तिनके सद बल्ले हारे जाओ जो जन ले खसम का नाम तिनके सद बल्ले हारे जाओ बल्ले हारे जाओ रब दा नाम ते जपना
पर नाम जपण वाले तो बलिहार जाण दी की लोड़ पै गई। सारी संगत एक बारी गुरु महाराज ते गुरु महाराज के प्यारियां दे प्यार विच आखो सतनाम। बड़े ध्यान नाल सुनियो, ओदे प्यारियां तों भावें किताब पढ़ के बलिहार जा सीडी राही संगत कर लै, किताब राही संगत कर लै, बचना राही संगत कर लै, शरीर करके संगत कर लै, इहदा कारण की? देखो गुरु ग्रंथ साहिब तो वड्डा कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब विच इहदा कारण दस्या है कि साडा मन जिहड़ा ये असर कबूलदा है। कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले तैसो ही फल खाए। ये मन असर कबूलदा है, चंगी संगत हो जाए चंगा असर कबूलदा है, माड़ी हो जाए माड़ा कबूलदा है, उहदा असर लैंदा है। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੰਗ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਸੰਗ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡੇਗ ਦੇਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਲਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੋਸਟਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪੋਸਟਰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਨੇਤਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰਸ ਲਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗੜੀ, ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗੜੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬੜੀ। ਤਿਨਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਜੋ ਜਨ ਲੇ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਸਲਤਾ ਵੀ ਨਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਗੰਗਾ ਵੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਸਲਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਤਾ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗੜੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬੜੀ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਓ। ਪਾਰਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਓ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਵਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੇ ਹੋਏ ਨਿਬੜਿਓ।
निबड़ियो जो जन ले खसम तन के सद भले हारे के सद भले हारे जाऊं के सद भले हारे जाऊं के सद भले हारे जाऊं के सद भले हारे जाऊं। सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहे, हाथ जोड़ के बेनती जे कमाई करन वाले जपन वाले उना दा इतिहास उना दे बचन उना दी संगत जरूर करया करो। भाई वीर सिंह भी तीन तीन दिन दो दो दिन चार चार दिन दे समागम रखे जांदे सी उना वेले भी ते एक जथा बैठना दूजा उठना दूजा उठना तीजा बैठना तीजा उठना चौथा बैठना ते मैं उन्होंने एक किताब जिक्र पढ़िया सारे जथियां नाल भाई साहब का प्यार सी भाई वीर सिंह एक दिन चार पांच जथियां ने हाजरी भरी ते भाई वीर सिंह जी ने कहता भी जेड़ा हाजरी भरे हाजरी भर के जाना नहीं गज के आखो सतनाम श्री वाह कोई बैठे रहने ओ जथे उन्हां दी आग्या च भी सी प्यार च भी सी ते चार पांच जथियां तो बाद भाई वीर सिंह जी दो मिनट सिर्फ दो मिनट माइक ते बोले पर कीर्तनी जथियां नूं भी सड़क देती सड़क की बोले भाई वीर सिंह जी कहन लगे कहंदे कोई जथा ढिला कीर्तन करे ते भाई साहब कहंदे मन तां वी उदास हो जांदा आपको सतनाम कोई जथा ढिला कीर्तन करे ते मन तां वी उदास हो जांदा भाई वीर सिंह कहिंदे कोई जत्था बहुत वधिया कीर्तन करे चढ़दी कला च करे समा बन के रख दे ते भाई वीर सिंह कहिंदे मन तां वी उदास हो जांदा गज के आखो सतनाम आपे ही गल कह के ते भाई वीर सिंह कहिंदे भी तुसीं सोचोगे कोई कीर्तन ढिला करे तां वी उदास कीर्तन बहुत वधिया कीता किसी ने तां वी उदास ये क्यों कीर्तन बहुत चढ़दी कला समा बज गया तां वी उदास क्यों क्योंकि भाई वीर सिंह जी उम्र च वड्डे सी जथे सारे छोटी उम्र उस वेले की आख्या कहिंदे कोई कीर्तन ढिला करे तां वी मन उदास हो जांदा भी समा क्यों नहीं बनिया इन्ना खर्चा होया समा क्यों नहीं बचा कहिंदे कोई कीर्तन चढ़दी कला च कर जे ते तां वी मन क्यों उदास हो जांदा क्यों उदास हो जांदा किते इस कीर्तनीए नूं हुण होमे ना आ जावे आखो सतनाम ਮਹਿਨਾ ਅਜੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਨ ਤੈ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਦੱਸੋ
ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਬੱਝ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਥੱਲੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ 2000 ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬੱਝੇਗਾ, ਹੋਮੇ ਦੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਬੱਝੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਹੋਮੇ ਜਨਮ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰਮਤ ਰਿਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਈਂ ਕੁਝ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਈਂ ਕੁਝ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦਮ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10-15 ਟਕੇ ਸੀ, ਟਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਲੀ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਝੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂ ਇੱਕ ਟਕਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਟਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਟਕਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਛਾਣਿਆ। ਤੀਜਾ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਟਕਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥਾ ਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਟਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਜ ਚਾਰ ਟਕੇ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਟਕੇ ਸੀ ਨਾ 8-10 ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਦਮ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਏ ਹਾਏ। ਵੇਖੋ ਆ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਪਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆ ਕੀ ਹੈ?
जिदने चीजा साडिया जड़ा च आ गई गुरमत रिदे गरीबी आवे सत्संग तुहाडा कीता थाई पै ये सब कुछ गुरु घर बख्शिया की संगत चो लभे निम्रता का जड़ा खजाना आ कुदरती कल बाबा नंद सिंह जी का भी बरसी का मिठी याद का बरसी तो नहीं होंगी महापुरुषों की मिठी याद का पवित्र दिहाड़ा कल ते किसी ने बाबा नंद सिंह जी ने भी मैणा मारिया कि टोया पुट के क्यों बहते हो आखो सतनाम सब तो उत्ते गुरु ग्रंथ साहब फिर रागी फिर संगत ते बाबा जी ने टोया पुट के बहना किसी ने मैणा मारे टोया पुट के क्यों बहते हम थोड़ा इशारा लो संगत बाबा नंद सिंह जी की कमाई किनी उन्होंने मुरशद होए ने बाबा हरनाम सिंह जी भुचो मंडी वाले 12 साल देखो 12 साल बाबा आनंद सिंह जी ने 24 घंटे बाद मुरशद के दर्शन करन आना बाबा हरनाम सिंह जी दे ते बाबा हरनाम सिंह जी ने एक मोटा प्रशादा गिला करके ना एक मोटा प्रशादा गिला करके बाबा आनंद सिंह जी नूं देना ते उस एक प्रशादे ते 24 घंटे कट्टणे आखो सतनाम घालना कि नहीं एक दिन पुछ लिया बाबा हरनाम सिंह जी ने नंद सिंह नेम किन्ना अगों बाबा नंद सिंह जी कहते जी तुहाडी कृपा नाल 2 घंटे आराम है 22 घंटे नेम है आखो सतनाम 2 घंटे आराम 22 घंटे नेम अगों बाबा हरनाम सिंह जी कहते 2 घंटे का लेखा तू देगा कि मैं देंगा गज के आखो सतनाम ये मैं माड़ा जहा नक्शा थोड़े के तां रखे कि बंदगी वेखो किन्नी नेम किन्ना घालना किन्नी एक गिले प्रशादे ते 24 घंटे कट्टने बंदगी किन्नी नेम किन्ना ये बचन पता नहीं थोड़े काम आ जाए बाबा जी जड़े ना बाबा आनंद सिंह जी ओहो जेड़ा घंटा 2 घंटे लक सीधा करते सी ना इन हूँ दूजे बने ना खड़ना बाबा जी गुरबाणी की पोथी गुरबाणी की सेंची ना उच्ची जगह पर सत्कार नाल रख लैनी ते सीस उधर करके आराम करना ते की भावना बनाउणी मेरा सीस गुरबाणी दी गोद विच आखो सतनाम वो भी घंटा 2 जड़ा ना वो रस बनिया रवे बाणी दी गोद च आवे बाणी दी गोद इहदा मैं की सवाद दसा तू इस अवस्था नूं गुरबाणी च लिखिया क्या सवणा क्या जागना गुरमुख ते ये जड़े बाबा ठाकुर सिंह जी होए ने दमदमी टकसाल वाले महापुरश ये भी 2-2.5 घंटे लक सीधा करते सी ते जदों 2-2.5 घंटे लक सीधा वेखो हर महापुरश की कोई ना कोई रूटीन है अपने 2-2.5 घंटे बाबा ठाकुर सिंह जी दमदमी टकसाल वाले जदों लक सीधा करते सी ते सिर वाले बन्ने एक सिंह सुखमनी साहब सरवण करवाउंदा रहिंदा सी आखो सतनाम सिर वाले बन्ने ना एक सिंह ने सुखमनी साहब सरवण कराई जाणी किसे दी मौजूदगी च बीतिया बचन है कि उस सिंह सुमनी साहब सरवण करा रहे हैं बाबा ठाकुर सिंह जी लम्मे पए हुए ने ते ओ थोड़ा थक भी गया कहिंदा जे मैं 5 मिंट नहीं बोलांगा ते बाबा ठाकुर सिंह जी सुते ही है आखो सतनाम भी पंक्ति रोक देना भी मैं थोड़ा साह लै लां सुते ने इन्हां नूं की पता लगना है जदों उन्हें पंक्ति 1/2 मिंट रोकी तो जितों रोकी बाबा ठाकुर सिंह जी ने अगों शुरू करती कहिंदा भाई की गल चुप कर गए इतों शुरू कर आखो सतनाम ये कहड़ा प्यार कहोगे
ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੜਾ ਪਿਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸੀਸ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਇੰਝ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਲਾਹੀਏ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਨੇਮ, ਐਡੀ ਬੰਦਗੀ, ਟਾਇਆ ਪੱਟ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ, ਆ ਗਰੀਬੀਆਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਣਾ ਮਾਰਤਾ ਜੀ, ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਿਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ ਚੰਗੇ ਸੰਗ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਰਤਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਗੇਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਦੀ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ, 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, 13 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੇਵਾ, 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਬਹਿ ਜੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ, ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਿਕੰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ, ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਦੀ ਹੋਮੇ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰੰਗ ਲੱਗਣਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕੀਰਤਨ ਢਿੱਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੇ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਡੁੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ,
उत्थे पांच दस मिनट होर सहयोग देना जी। एक बारी फिर कृपा करो ए पंक्तियां बोलियो सारे जी ते पांच सात मिनट होर सहयोग देना। तिन के सद बलिहारे जाओ, तिन के सद बलिहारे जाओ, बोलो जी के सद बलिहारे जाओ, तिन के सद बलिहारे जाओ, जो जन ले खसुन कर जन ले ने मनिया वो भी चंदन हो जाता है। बस जो चंदन पास, बस जो चंदन पास, सच भैणों छोटा जा जिक्र। गुरु अंगद देव जी वेले भाई सहला जी हुए, गुरु अंगद देव जी के चरणा च आए तो कहन लगे महाराज मैनु सिखी दी दात बख्शो, आखो सतनाम। ते गुरु अंगद साहब कहंदे सिखी बड़ी महंगी है, संभाल लेगा, ये बड़ी महंगी है सिखी भाई, तू संभाल लेगा। ऐ तुसी जिन्नियां संगतां बैठियां जी ना, ते कई बारी तुसी थोड़ा जा मन कमजोर कर लेंदे, फलाने की गिणती वध गई जी, सिखां दी घट गई, हक सतनाम। फलाने की गिणती वध गई जी, सिखां दी घट गई। मैं गुरु की हजूरी कहना उसकी कृपा नाल हीरिया की गिणती घट ही होंगी जी, आखो सतनाम। ये थां थां नहीं होंगे, सारे धर्म सत्कार जो हुण जिथे मनाई कुछ नहीं, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, हत्या करो, फलाना काम भी कर लो, जो मर्जी पीओ, तो उत्थे ते वर्धनी गिणती आखो सतनाम। जिथे कलगियां वाले दी सड़क एड्डी महंगी होवे, आ छकना है नहीं छकना, इस तरह का रूप रखना है, आ कुछ करना है, आ कुछ करना है। ये मैं गुरु की दूरी च कह रहा जे, उहदी कृपा नाल जो सड़कां तुहानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रूप दियां दित्तियां,
कौर दियां दित्तियां, सिंह दियां दित्तियां, नितनेम दियां दित्तियां, इस बाणी दियां दित्तियां, जो तुहानू कलगी धर मारे ने सड़कां दित्तियां, किसे सड़क ते चल पो, ये सड़क राज किते नहीं रुकदी, सीधी सचखंड जांदी, सीधी सचखंड, सीधी सचखंड। हकीकत है, हुण मैं भाई दया सिंह दा इतिहास लैण दे मेरा चित करदा सी, उन्होंने चोला बदल लिया सी, ते कलगी धर दे मुख चों निकल आया सी, सानू पुछो बगैर ही चला गया आको सतना। लंबा जिक्र है, बुलाओ उन्हू, वो कहिंदे महाराज शरीर च हुण सवास ही नहीं, कित्थों बुलाईए, चोला बदल गए। महाराज ने कहा जाओ पांच अमृतधारी सिंह भाई दया सिंह दे सिर वाले बन्ने अरदास करो, सानू मिलियो बगैर ही, मैं सिर्फ इशारा ही दे रहा, लंबा नहीं। वो कीती, खड़े हो गए, खड़े हो गए। ये पता नहीं सानू कोई कलगीधर ने विखाउणा सी, ते कलगीधर महाराज कहिंदे दया सिंह जी पुछियो बगैर ही चले गए, मिलियो बगैर ही। अगो दया सिंह जी की बड़ी तगड़ी भावना सी, कहिंदे जी मिलियो बगैर तां चले गए, इत्थे भी तू है, उत्थे भी तू है, आको सतना। को कबीर भज सारंग पाणी उरवार पार, उत्थे भी तू ही है। कुछ दसना सी संगत नूं, महाराज कहिंदे थोड़ा दसो ते सही, कित्थे पहुंचे सी जदों असीं बुलाया। कहिंदे जी सचखंड विच एंटर होण लगा सां, अगों सुनिया मिल गया इन्हां दे गुरदेव कलगीधर याद कर रहे, वापस भेज दो आखो सतनाम। वो हथ सब कुछ है, मैं इशारा देना, ये हकीकत है। तुहानू बाकी पूरियां जो हाजरी जा ला के जाण दी लोड़ नहीं, कि सड़क ते चल पो, ये सड़कां सीधियां सचखंड जांदियां, आखो सतनाम। भाई दया सिंह कहिंदे जी बस सचखंड दे अंदर एंटर, ये वो सड़कां ने उस गुरदेव दे बनिए। मैं आप जी नूं की सवाद दसा सिखी दा, ये बाबा आनंद सिंह जी दा वचन है, गुरु का सिख पंज बाणियां दा नेम करके एक पाठ सुखमनी साहब हाजरी ला के जेड़ा नेड़े गुरद्वारा गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करके परिक्रमा करके अरदास करके कम ते जावे, उस दिन दे जिन्ने माड़े कर्म गुरु ग्रंथ साहब दे चरणा जा जांदे, आखो सतनाम। तुसी इतने अमीर हो, आखो सतनाम। ते हुण जिथे इहो जी सड़क भी आ छकणा आ नहीं, आ पहनना आ नहीं, इस तरह चलना है, उत्थे फिर हीरियां दी गिणती घट ही हुंदी। ये भाई सहला जी होए, कहिंदे महाराज सिक्खी, महाराज कहिंदे महंगी है, ये तो नहीं हैगा भाई 8 बजे सोते उठना है, गल के आखो साथ गुस्सा ना करो, मैं ना नहीं कहे दा लेना, पा लो झाती, सारे सत्कार योग ने, पर उत्थे कोई पाबंदी नहीं उठण दी, आ महंगी है, ये तो गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ, महंगी है। गुरु अंगद साहब कहिंदे वी वेख लै, अमृत वेले उठना पैना, जपजी साहब पढ़नी पैनी है, सूरज प्रकाश जो नर है सिखी अवलाखी, जेड़ा भी सिखी दी भावना लैके आवे उन्हूं जपजी साहब ना जोड़ना। हुण सुनियो जी, मैं शॉर्ट करा, भाई सहला जी की कहिंदे, महाराज महंगी होवे सस्ती पर झोली च पा दिओ, मेर तुसी करनी निभा देनी। महाराज गुरु अंगद साहब ने दूजी हरी क्या संभालेगा, महाराज जी कृपा तुसी करनी, मैं सिखी संभालांगा। यह सारी संगत एक वचन सुनियो, गुरु अंगद देव जी का जवाब, गुरु अंगद देव जी ने भाई सहला जी नूं की आखिया, अगों संभालेगा सिखी ये तुहाडी कृपा नाल। महाराज का वचन सी, फिर भाई सहला जी सुन लो, अज जेड़ा सिखी नू संभाले गुरु उन्हू संभालदा है, आखो सतनाम।
महाराज के बच्चे ना फिर गुरु भी कोई ये नहीं भी जेड़ा सिक्खी नू संभाले गुरु उन्हें संभाल दे गुरु ड्यूटी लेंदा है जो भी उस वेले चरण बोल सी हुण अजकल पंजा प्यारियां रही ये सिक्खी लई अपने नगर चले गए तो अमीर सन खेतीबाड़ी सी समा बीतता गया साल बीतया दो साल बीते सिक्खी सारे परिवार ने लई गुरु अंगद देव जी के चरणों चो तो लिखा दो तीन साल बाद काल पै गया काल बारिशा ना हुई तो काल पै गया तो संगत को मैं ध्यान से गल करदा भी हजार घर पिछे एक घर होंदा सी जिहदे कोठे आउण उदों ये इन्ना अमीर सी कृपा सी कि इहदे कोठे दाणियां नाल भरे पए सी बहुत कृपा सी काल पै गया जी पंद्रह महीने लिखे मीह नहीं पिया फसल नहीं हुई अन्न लभे ही ना लोग की खाण ये भाई सैला जी अपनी पत्नी नू कहिंदे ऐ कहिंदे भागां वालीए सिक्खी कमाउण दा समा आ गया ही तैयारी कर लै को सतनाम कहिंदी जी मैं समझ ही नहीं भाई सैला कहिंदे मेरा साथ नहीं इहनों वी एक पहिया चले तो दूजा रोके हको सतना मेरा साथ नहीं काल पै गया अन्न लभदा नहीं पिया बच्चे बजुर्ग भुखे मर रहे की खाण ये काल बड़ा भैड़ा हुंदा जे हुण मैं इहदा नक्शा नहीं रख सकता महाराजा रणजीत सिंह वेले भी काल पिया सी आखो सतना हुण कोई नोट चबेगा की करेगा मीह नहीं पिया ना सेब होना ना संतरा ना केला ना कणक ना झोना ना बाजरा ते गुरु अर्जन देव जी दे वेले तुसीं सकेत मंडी साखी सुणदे हो भी पीलू जिन्हें सकेत मंडी के राजे ने सुपना वेख्या सी काल पै गया तो पीलू न खा के गुजारा इतना बुरा हाल हुंदा काल च ये भाई सैला अपनी पत्नी नू कहिंदा सिक्खी कमाउण दा वेला आ गया ही हुण कदम नाल कदम रला के चली पिछे ना हटी हुण वेला आ गया की कीता अपने कोठे जिहड़े दाणियां नाल भरे सी साध संगत लंगर लाता गज के आखो सतनाम जदों लंगर लाया सारा पिंड लगन छकना नहीं तो दसो आएगा नहीं अंदर काल पिया मैं अपने दाने कोठिया के आटा पिया के लंगर ला के लंगर लाया तेनों सड़िया प्रशादा आ गया तू मैनू कह दे दूजा दे दे तू मेरे चपेड़ मारती दसो आएगा नहीं गुस्सा कि मैं एक लंगर ला रहा काल दे विच तू अगों मैनू चपेड़ मारती दसो आएगा नहीं पीरस आएगा नहीं गुस्सा आएगा नहीं क्रोध आ सिखी वेखो मैं पढ़ के हैरान हो गया सूरज प्रकाश विच कि जदों उन्हें चपेड़ मारी ना भी सड़िया प्रशादा देता ही तेनों सेवा करन की जांच नहीं तो भाई सेला नू दे ओमें आ सकती ना भी मैं लंगर लावा इन्ने काल विच अपना जिन्ना अन्न नाले वंडा नाल हथी सेवा दे नाले चपेड़ा खावा भाई सैला जी ने अगों की किया जदों उन्हें चपेड़ मारी तो भाई सैला जी ने जिस चेहरे के पासे ते चपेड़ पई तो दूजा चेहरे वाला पासा भी अगे करता कहिंदे पुरखा एक इधर भी मार दे मैनू सेवा करन दी जाच आ जावे वाहिगुरु एक कहन लगे किधर भी मार दे मैनू सेवा करन दी जाच आ जाए इहनू की कहोगे ਕਿਹੜੀ ਵਸਤਾ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾ ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਆ ਦਾਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਾਰ ਜਾਣਾ ਤੱਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪ ਏ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚਲੋ ਸਾਖੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਥਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੋਠੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
खेत तक विक गए, मकान तक विक गए। ओए होए होए, हम चलो अगला गुण भी सुन लो जरा। ये भाई सहला सा संग घा वड के लियाना, घा वड के हुण रोटी इतों खानी, जो कुछ सी भले दे लेखे लाता। मेरे कन्ना नूं हाथ लग गया जदों मैं पढ़िया घा वड के लियाना, ते घर वाली नूं पता की कहना, आऊं घा लियाना ना जी, अद्धा घा वखरा कर देना, अद्धा वखरा। घर वाली कहिंदी वी इह अद्धा अद्धा क्यों कीता, कहिंदा अद्धा वेच के रोटी खानी है, अद्धा वेच के उस तरह लंगर की सेवा करनी। गज के आखो सतनाम, कि भावें गरीबी भी आ गई है पर सेवा नहीं छड़नी। गज के आखो सतनाम। ये भाई सहला कुछ साल बाद जदों गुरु अंगद देव महाराज के दर्शन करन आया, ओहो, गुरु अर्जन देव जी घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की। गुरु अंगद देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने बड़ा वड्डा बख्शिश भरिया, वचन जेड़ा ना वो भाई सहला जी की झोली च पाया। वो वचन की सी, भाई सहला जी नू जेड़ा गुरु अंगद देव जी ने वचन दिता, कहन लगे भाई सहला जी तुसी सिक्खी नू सफल करके विखाया है। आखो सतनाम, तुसी सिक्खी नू सफल करके विखाया, जाओ अपने नगर जेड़े टाइम पहले सी ओह फिर आ जाणगे। गज के आखो सतनाम। ते इस तरह सेवा ना छड़नी, ये निम्रता ना छड़नी, निर्वैरता ना छड़नी। तुहानू वेख के कितने होर शरीर सिक्खी दी महिमा तुसी सिक्खी नू सफल करता। तो जितने माई भाई बैठे हो भाई, ये संत ज्ञानी अमीर सिंह जी बाबा सुचा सिंह जी की याद विच, महापुरशां की मिठी याद विच, ये हर साल जिहड़े समागम हुंदे ने, ये सानू भी आप जी के दर्शन करन दा समां नसीब होया। ते सारयां नू बेनती है कि महापुरशां दे इतिहास कर रख्या करो, ये सीधी मंजिल देंदे ने। बहुत कुछ लभदा है, बहुत कुछ जीवन विच चलण नू मिलदा है। बाहरली दुनिया ते तुहानू सिखाया जाएगा कसर लाणी किवें है, इस दुनिया च सिखाया जाएगा कसर खाणी किवें। आखो सतनाम। बाहरली दुनिया च सिखाया जाएगा किसे दे मूँह चों रोटी खिचणी किवें है, यह संगत विच सिखाया जाएगा किसे दे मुख च रोटी पाउणी किवें। आखो सतनाम। आओ मेरे महाराज बाणी च कह रहे ने, ये पंक्तियां पढ़ो जी, फिर समाप्ति है, सारे कृपा करे। जो जन ले खसम करना तिनके सद भले हारे जा, तिनके सद भले हारे जा, तिनके सद भले हारे जा, तिनके सद भले हारे जा। सारे Guru.
वाहगुरु 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 तिनके सत बलिहारे जाऊं तिनके सत बलिहारे जाऊं तिनके सत बलिहारे जाऊं तिनके सत बलिहारे जाऊं जो जन ले खसम का नाम जो जन ले खसम का नाम बोले